बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उस याचिका में कल सुनवाई की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक आम याचिका में विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल ने विभव पर मारपीट का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपी है विभव कुमार और अब उन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी डाली है, गिरफ्तारी के खिलाफ ये अर्जी डाली गई है। बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, रास्ते में विवाद होने पर दबंगों ने पिटाई की। दिल्ली के पास नोएडा हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। रविवार को तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक पर तलवार से हमले की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बताया गया कि युवक और आरोपी के बीच शादी में फोटोग्राफी को लेकर विवाद हुआ था। गुजरात के सूरत में सड़क पर कई गाड़ियां एक ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बची। ट्रक का ड्राइवर लापरवाही से ट्रक चला रहा था, बाद में लोगों ने उसे धर दबोचा। मध्य प्रदेश के शाहपुर में एक कृषि उपज मंडी में फलों के गोदाम में लगी भयानक आग, कई घंटों की कोशिश के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार। कोर्ट ने कहा सीजेआई ही लेंगे फैसला। यूपी के मथुरा में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और दारोगा के बीच हुई मारपीट घटना में दारोगा की वर्दी फटी। बीजेपी नेता पर दारोगा पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाली घटना, आई सामने एक ही परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने खुद भी फांसी लगाकर दी जान। कोलकाता में ममता के गढ़ में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। रोड शो के बाद विवेकानंद म्यूजियम जाकर स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, टीएमसी ने पिछले दरवाजे से मुस्लिम को ओबीसी बनाया। कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने भारत पर चीन के हमले को लेकर दिए बयान पर मांगी माफी। उन्होंने 1962 में के बारे में बात करते हुए चीन के हमले को कथित हमला कहा था। यूएपीए पर शशि थरूर का बहुत बड़ा बयान, बोले आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनते ही यूएपीए और सीए कानून में करेंगे।